नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित शुक्त, मौजूद हैं विधान मंडल परिसर में। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार कल से बिहार बजट सत्र जो है वो कल स्टार्ट होगा। देख सकते हैं किस तरीके से जो बिहार विधान परिसर की जो सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है लगातार उसके द्वारा चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, तस्वीर स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरीके से एक एक चीज़ों को बारीकी से जो डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है, जो मेटल डिटेक्टर जो होता है, तमाम चीज़ों से चेक की जा रही है। वहीं देखिए, आपको हम अंदर का तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कल से जो बजट सत्र स्टार्ट होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भी जितने भी बिहार सरकार में मंत्री हैं तमाम लोग मौजूद होंगे। और वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के तमाम नेतागण जो हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल से जो बजट सत्र स्टार्ट होगा, एक महीने का बजट सत्र होगा और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र है जो कल से स्टार्ट होगा। देख सकते हैं किस तरीके से जो विधानमंडल परिसर के, अब आपको अंदर का तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो पुलिस बल की तैनाती होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और देख सकते हैं किस तरीके से जो सुरक्षा है, सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी संख्या में प्रशासन को भी यहाँ पर मौजूद कर दिया गया। और जितने भी आलाधिकारी हैं, प्रशासन के आलाधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो DM हो, SSP हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर जगहों का एक एक चीज़ों का अच्छे से निरीक्षण किया जा रहा है कि कल जो भी गणमान्य लोग पहुँचेंगे तो किस तरीके से तमाम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरीके से चेकिंग व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। और लगातार डॉग स्क्वाड के द्वारा और जो मेटल डिटेक्टर होता है उसके द्वारा लगातार चेकिंग भी की जा रही है। और देखिए, वहीं आपको हम अंदर का तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरीके से जो प्रशासन होती है, जो पुलिस बल होती है, वो काफ़ी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती भी कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि ठीक है, कल से जो सत्र का स्टार्ट होगा, एक महीने तक का सत्र चलेगा। और वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र होगा जो कल से स्टार्ट होगा, एक महीने तक का चलेगा। और देखिए, आपको हम अंदर का तस्वीर दिखाएंगे। अब हालांकि देखना ये होगा कि जब बजट सत्र स्टार्ट होता है तो कितना हंगामेदार होता है, किस तरीके से जो विपक्ष की भूमिका में BJP किस तरीके से महागठबंधन की सरकार को घिरते नजर आती है। हालांकि कल से स्टार्ट होना है और ठीक उससे पहले जो बिहार विधानमंडल की जो अंदर की जो परिसर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, किस तरीके से जो यहाँ पर सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। वहीं पटना के DM, SSP तमाम आला अधिकारियों के द्वारा अच्छे से यहाँ पर जाँच पड़ताल भी की जा रही है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।